दोस्तों चलिए अब आपको जो है एक नए शॉर्टकट का बहुत ही तगड़ा फीचर बताने वाले हैं। अगर मान लो आप अपना फ़ोन रख के कहीं भूल जाते हैं, या फिर आपके दोस्त ने अपना मोबाइल आपका मोबाइल जो है कुछ समय के लिए छुपा लिया है, ठीक है, या फिर आप अपने घर के अंदर ही रख के भूल जाते हैं, तो किस प्रकार से जो है आप सीरी का और शॉर्टकट का इस्तेमाल करके जो है ऑटोमेटिक कॉल कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली इस चीज़ के ऊपर होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। तो शॉर्टकट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे है हमारा, तो सिंपली शॉर्टकट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, वहाँ पे जो है प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस के आइकन को जो है ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो है एड एक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है सेट वॉल्यूम जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे मैं सेट वॉल्यूम सर्च करूँगा तो यहाँ ऊपरी ऊपर जो है सेट वॉल्यूम के आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, यहाँ मीडिया के आगे जो है वॉल्यूम टू 50% और वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिंगटोन पे कर दीजिए और जो वॉल्यूम वाला आइकन है इसको 100% कर दीजिए, ठीक है। अब आपको सिंपली जो है बेसिक चीज़ें हो गई हैं, इसको सिंपली जो है डन कर दीजिए। अब दोस्तों इतना आपने बेसिक सेटिंग कर दी है, अब यहाँ पे सर्च करना है टाइमर, ठीक है। टाइमर जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप टाइमर स्टार्ट टाइमर आएगा तो इसको सिंपली क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट टाइमर होने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे मिनट की जगह जो है सेकंड कर लेना है और ड्यूरेशन जो है 3 सेकंड 2 सेकंड कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड ही कर लेते हैं, ठीक है, और इसको डन कर देना है। तो दोस्तों इतना होने के बाद में अगर आपको जो है स्टार्ट टाइमर लिखा हुआ है इसकी जगह डबल टैप करना है, और दोस्तों इसका जो है नाम भी चेंज कर सकते हैं, फाइंड माई फोन लिख सकते हैं, जैसे फाइंड माई फोन, ठीक है, फाइंड माई फोन मैंने लिख दिया है। और दोस्तों इसको जो है आपको डन कर देना है, और आप चाहें तो इस पर क्लिक करके जो है इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने रेड कर दिया आइकन, ठीक है, और इस पर और आपको डुप्लीकेट मूव एड टू होम स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो 5 सेकंड का आपने टाइमर कर दिया है और अब जो है इसको डन कर देते हैं। तो हमारा जो है ऑटोमेशन सेटअप हो चुका है, ठीक है, शॉर्टकट सेटअप हो चुका है। अब आपको जो है फ़ोन को फाइंड कैसे करना है आपको दिखा देते हैं। जैसे मेरा फ़ोन अभी ऑफ है, ठीक है, सीरी मेरा ऑन मैंने कर रखा है। सीरी का सेटअप का वीडियो जो है आपने नहीं देखा तो बहुत जल्दी जो है सीरी का सेटअप का वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। हे सीरी, फाइंड माई फोन। तो ये था फोन, और अब अलार्म भी बज जाएगा 3 सेकंड बाद, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप सीरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने फाइंड माई फोन वाले फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।